A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BSc teacher. Today we'll be studying staff appraisal, that is chapter 10 of business studies for class 12 ISc. तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि अप्रेजल का मतलब क्या होता है. अप्रेजल होता है एक फॉर्मल असेसमेंट. असेसमेंट आप किसी चीज का असेसमेंट करते हो, ठीक है, उसको चेक करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो ऑफ द किसका परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करते हो, ठीक है, और किस समय पर, तो इट इज डन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे समय, एक महीना, एक साल का उसका कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है. जैसे आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है वैसे ही यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज और द स्टाफ अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. जैसे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उनके रिपोर्ट कार्ड में मिलता है, वैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी कुछ मेथड्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टाफ अप्रेजल का मतलब क्या होता है या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का यहाँ पर मतलब क्या होता है. फर्स्ट वील स्टडी द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ आपके कोर्स में, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो सबसे पहले आता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फॉर्मल प्रोग्राम है. वी हैव मल्टीपल स्टेप्स, देन वी हैव मल्टीपल मेथड्स अंडर विच द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल्स ऑफ पीपल आर इवेल्युएटेड. जिसके अंडर लोगों की क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, हाउ मच इज देयर एबिलिटी, स्किल्स एंड द पोटेंशियल, वो हम लोग इसमें चेक करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में. देन आपको एक डेफिनेशन भी उसमें पढ़नी होगी. तो स्कॉट, क्लॉडियर एंड स्प्रिगल हैव डिफाइंड इट एज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब. जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउ मच द पर्सन इज केपेबल, इज ही गुड, एक्सीलेंट और बैड वर्स, हाउ ही इज इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू वॉट द जॉब रिक्वायर्स, हम लोग का परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है. अब इसके कुछ फीचर्स हैं. वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट द मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जैसे कि आपके कोर्स में हा इंक्लूड फीचर्स इन टू इट, भले ही उसमें ना भी दिया हो, क्योंकि एक तो आपकी इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. द सेकेंड थिंग इज कि आपको इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज आ जाते हैं, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. और अब आप उसको उन क्वेश्चंस को डील विथ कर पाओगे, हो सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे ही बने. तो सबसे पहला दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है उन्हीं मेथड से, मतलब जिसमें सेम मैनर, सेम मेथड यूज किया जाता है, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज, अगर 10 एम्प्लॉयज को हम इवेल्युएट करें तो 10 एम्प्लॉयज में सेम मैनर और सेम मेथड का यूज किया, सो दैट इट इज इट कैन बी कंपेरेबल. अप्रेजल जो है एक प्लान के थ्रू होता है, लीविंग नथिंग टू चांस, कुछ भी हम लोग चांस पर नहीं छोड़ते, मतलब कि सिचुएशन पे नहीं छोड़ते कि जब सिचुएशन आएगी देन वी विल इवेल्युएट, हम लोग ऑलरेडी उसको इवेल्युएट कर लेते हैं. ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्जेक्टिव है इन द सेंस कि इवेल्युएशन के लिए कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं ऑलरेडी. ये नहीं देखा जाता है कि चार लोगों को बिठा करके, एक पर्सन हो सकता है कि उसी का रिश्तेदार हो, तो वहां पर चीजें सब्जेक्टिव चली जाती हैं. सब्जेक्टिव इन द सेंस कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज होंगी. वन पर्सन लाइक्स यू, अनदर पर्सन डज नॉट लाइक यू, वो सब्जेक्टिव होता है. बट ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि यू हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, इन पैरामीटर्स से आप मैच कर रहे हो तो यू आर वेल एंड गुड, नहीं मैच कर रहे हो तो फिर यू आर नॉट वेल एंड गुड. ह्यूमन बायस और प्रेजुडाइस शुड बी एलिमिनेटेड टू मेजर परफॉर्मेंस एक्यूरेट मैनर में. एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए ह्यूमन बायसनेस या फिर फेवरेटिज्म उसमें नहीं होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इट इज टू आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड एफिशियंट एम्प्लॉयज. वो एम्प्लॉयज जो एक्सेलेंट है इन देयर वर्क, दे आर बेस्ट इन देयर वर्क, उनको ढूंढो और उसके बाद उनको रिवॉर्ड करो. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि जो इन एफिशियंट एम्प्लॉयज हैं वो उनको देखो, उनका रीजन जानो और उस पर वर्क करो. फिर है कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी, वेस्टेज एंड ब्रेकेज एंड रेट ऑफ एक्ट्स.
इन द सेंस कि एक पर्सन को अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो कितना काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, क्या वो कोई वेस्टेज कर रहा है या नुकसान कर रहा है, एंड वेदर ही इज प्रेजेंट और एबसेंट। अब जैसे आप लोग स्कूल में जाते होगे तो आप लोग को भी बोला जाता होगा 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्सेंटिज्म देखा जाता है कि कितना वो पर्सन एब्सेंट है। एब्सेंट इन द सेंस एब्सेंटिज्म जाता है थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन दो दिन वाला मैटर नहीं, बट अगर वो बहुत ज्यादा लंबी छुट्टियां लेता है तो उसके लिए एब्सेंटिज्म बोला जाता है। द अप्रेजल इज डन बाय एम्प्लॉयज इमीडिएट सुपीरियर, उसका जो इमीडिएट सुपीरियर है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो उनकी टीचर्स इवेल्युएट करते हैं, इट इज नॉट इवेल्युएटेड डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल, बाद में वो देखते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सबसे पहला इवेल्युएशन वो किसका होता है, इमीडिएट सुपीरियर का होता है। इट मे बी इन टर्न रिव्यूड बाय हिज सुपरवाइजर, और उसके बाद जो सुपीरियर का ऊपर हेड होता है वो उसको फिर से दोबारा से चेक करता है, सुपीरियर ही लिखा है सुपरवाइजर नहीं लिखा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवेल्युएशन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस आती है ऑन द जॉब, और फ्यूचर में वो इंसान की कितनी पोटेंशियल है ये भी इसमें चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग होता है, रेगुलर बेसिस पे इसको किया जाता है। ओके, अब कुछ डिफरेंसेस दिए हैं परफॉर्मेंस और जॉब, परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन में। वैल्यू परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंसान की वैल्यू देखी जाती है, एम्प्लॉय की, और जॉब इवैल्यूएशन में इंसान जॉब की जो वर्थ है वो मेजर की जाती है। पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन क्या है, इट इज टू डिटरमाइन अ फेयर एंड इक्विटेबल वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिटरमाइन इंसेंटिव रिवॉर्ड्स की, कितना उसको रिवॉर्ड देना है और परफॉर्मेंस उसकी क्या है फॉर जो भी उसकी सुपीरियर या फिर अच्छी परफॉर्मेंस है उसके लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरिट रेटिंग से भी अलग होता है, दीज कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चंस। मेरिट रेटिंग में स्किल्स, नॉलेज, पर्सनालिटी उसकी देखी जाती है, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल में द आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयज मेजर्ड, वो कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है हमें, ठीक है, वो हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में मिलता है। देन देयर आर सेवरल स्टेप्स जो समझने के लिए आप इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, सो दैट आपको परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी जब आप मेथड्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा उसका लेवल अलग चला जाता है, तो उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो। अब सपोज करो कि आपने अपने लिए वो बना लिया कि भाई हमको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू सबऑर्डिनेट्स। अब इसी से रिलेटेड यू आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस, पहले आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप बताओगे कि भाई ये काम ऐसे करके करना है। लाइक यू पीपल, आप अपने लिए जैसे टाइम टेबल बनाते हो वैसे ही समझो कि सबॉर्डिनेट्स को जो हमसे कम है या हमसे लोअर पोजिशन पे है हम उनको गाइड कर रहे हैं। पीरियोडिकल अप्रेजल टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, जिसके लिए आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, सो दैट आपको ये पता चले, अचानक से आपको एग्जाम में नहीं बिठा दिया जाता है, आपके टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होंगे, तो ये सारी चीजें होती है, सो दैट आपको ये बताया जाए कि आप उस टाइम पर कैसा परफॉर्म कर रहे हो स्पेसिफाइड टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके। फिर इंटरैक्ट किया जाता है सबॉर्डिनेट से, सो दैट उनकी जो भी डेफिशिएंसीज है, कमियां हैं, उनको ओवरकम किया जाए। जब आपके टेस्ट होते हैं तो आपको टेस्ट कॉपीज दिखाई जाती है, सो दैट आप चेक करो कि आपकी क्या उसमें गलतियां हैं, प्री बोर्ड की भी कॉपीज दिखाई जाती है। फिर एक्सपोज किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेवलपमेंट में, इन द सेंस कि यू आर ऑल्सो लाइक डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। जब छोटा आपने काम कर लिया, टेस्ट कर लिया, जब आप प्री बोर्ड दोगे या हाफ एलिज दोगे ज्यादा कोर्स आएगा, उसके बाद और ज्यादा कोर्स आएगा, तो सबॉर्डिनेट्स, सपोज करो खुद ही सबॉर्डिनेट हो तो आपके ऊपर और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा रही है। उसके बाद सबॉर्डिनेट्स को फिर ट्रेनिंग, वर्कशॉप एटसेट्रा में डाला जाता है। सपोज करो कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपके लिए रेमिडियल टीचिंग रखाई जा रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस रखाए जा रहे हैं, उसके मतलब एकदम क्या बताऊं है, कहानी चल रही है यहाँ पे। तो उसके बाद मॉनिटर किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को फॉर देयर करियर डेवलपमेंट, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है फाइनल में, फाइनल में मान लो, या प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड अगर आपके होंगे तो उसमें मान लो
तो उसकी परफॉर्मेंस को क्या जाता है, फाइनली इवैल्यूएट किया जाता है। दोबारा से इसको रीड कर रहा, कभी नहीं भूलोगे फिर से। ओके, इसके बाद आता है पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरे पास्ट के लिए होता है, पोटेंशियल अप्रेजल मेरे फ्यूचर में जो मैंने चीजें की करेंगे या मेरी कितनी केपेबिलिटी है टू हैंडल द थिंग्स, या वो हिडन टैलेंट जो मेरे अंदर है उसको उभारने के लिए पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लो कि एक मान लो कि कोई सेल्स मैन है, ठीक है। अभी हम आपके भी सेंस में एग्जाम्पल देंगे। मान लो कोई सेल्स मैन है, तो ये सेल्स मैन इज नॉट नेसेसरी कि ये सेल्स का हेड भी बन जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, और अगर वो बन सकता है तो मतलब वो उसके हिडन टैलेंट है जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आपके कॉलेज स्कूल में भी बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती होगी, तो वो एक्टिविटीज क्यों होती है, सो दैट जो चीजें आप अकेडमिक्स के अंदर नहीं उभार पाते वो चीजें वहां पर बाहर निकले। तो पोटेंशियल वो एबिलिटीज होती है जो आपके अंदर प्रेजेंट है बट अभी उनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, वो एबिलिटीज टू डिस्चार्ज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, ठीक है। लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्लास 8 9 से आपको मॉनिटर्स बनाया जाता है, कैप्टन हाउस कैप्टन बनाया जाता है। फिर जब आप बहुत ज्यादा एकदम लेवल पे क्लास 11 12 से पहुंच जाते हो, देन यू पीपल आर मेड द हेड बॉयज एंड हेड गर्ल्स, या आपको और बड़ी प्रिफेक्ट्स की भी पोजीशन दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके हिडन टैलेंट को बाहर निकाला जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप एंड यूटिलाइज द इनहेरेंट कैपेसिटी एंड एक्वायर्ड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। उसकी जो पोटेंशियल है पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वट एवर योर लेटेंट कैपेसिटीज और अनयूटिलाइज टैलेंट है, उन सबको हम यूज कर रहे हैं, या उसको सबको हम खोज रहे हैं, ढूंढ के निकाल रहे हैं, सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड। अब उसमें ये आपकी मीनिंग है, एक फुल फ्लेज्ड आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। फिर जो पोटेंशियल एम्प्लॉय का, अब वो कैसे जज किया जाएगा, पहले उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स मैनेजमेंट स्किल्स देखो, रिव्यू करो जो भी ट्रेंड है इन परफॉर्म जॉब परफॉर्मेंस, वो कैसा काम कर रहा है, उसका एज और एक्सपीरियंस चेक करो, उसकी क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग चेक करो, और एक्सप्लोर करो वट एवर अनयूज्ड नॉलेज और स्किल्स द पर्सन हैज। जब तक आप उसको उस काम में एम्प्लॉय नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू नो। ओके, फिर उसके बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। सबसे पहला है इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस जो उन्होंने काम किया है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर भी इवैल्यूएट द पोटेंशियल जो उनके फ्यूचर में जो हिडन केपेबिलिटीज है वो सब। फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस टारगेट्स को सेट किया जाता है, यहाँ पर जो टैलेंट्स है हिडन टैलेंट्स है उनको एक्सप्लोर किया जाता है, ढूंढ के निकाला जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिवली और एक्यूरेटली मेजर करते हैं। असेसमेंट ऑफ फ्यूचर रोल्स कैन बी असाइन, फ्यूचर रोल्स को जो हमने असाइन किए उनको असेस किया जा सकता है इन फ्यूचर। देन पिक्चर ऑफ करेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेज आर टेकन, और यहाँ पर पिक्चर ऑफ एबिलिटीज टू अज्यूम चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड, कि अगर हम आपको एक हायर पोजिशन देते हैं तो हाउ यू विल असेस दैट पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर वो चीज देखी जाती है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहली चीज दी हुई है कि एम्प्लॉयज टू जज की जो एम्प्लॉयज है वो अपना जो काम है वो सही तरीके से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर ये देखना टू रिकॉर्ड, ये इसके यू विल स्टडी 3 4 पॉइंट, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। इसमें ये देखना कि टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड, कि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बनाना, सो दैट हम लोग उसी के बेसिस पे उनका इंक्रीमेंट डिसाइड कर सकें। टू आइडेंटिफाई मिसप्लेस्ड एम्प्लॉय सो दैट सूटेबल एक्शन कैन बी टेकन, और अगर कोई एम्प्लॉय है जो कहीं और गलत पोजिशन में तो उसको सही पोजिशन में लेकर के आना। पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज को जज करना कि हम उनको प्रमोशन हायर हायर डेजिग्नेशन पे उनको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। फिर टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की वीकनेस को चेक करना सूटेबल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये उसके बाद देखना, मतलब पहले उनकी वीकनेसेस जज करना, फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना,
और फिर उसी मेथड को इवैल्यूएट करना कि भाई जो हमने किया है वो काम का भी था कि नहीं था। और लास्ट इज इन दिस कि एम्प्लॉय को अवेयर करना उनकी परफॉर्मेंस के लिए, सो दैट वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मोटिवेटेड रहे। दे शुड नो कि दे हैव हिडन टैलेंट एंड दे कैन वर्क ऑन इट। ओके, फिर इसमें दिया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आप हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि हमको अगर कोई किसी को चाहिए तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, पे इंक्रीज हो सकता है, फीडबैक उनको मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है, एम्प्लॉयज के ऊपर समटाइम्स प्रेशर भी आ जाता है, देन दे हैव अ डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो हरी वाली किताब जो है, प्लेसमेंट। अब सबसे पहले दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है जज करने में कि पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है, या हम लोग ने जो सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाया है वो कितना इफेक्टिव है, प्लेसमेंट प्रोसीजर्स कितने इफेक्टिव है। वो ये डिसाइड करता है कि जो भी स्किल्स और एप्टीट्यूड है हर एम्प्लॉय की वो सही है कि नहीं, हमने जो उन्हें असाइन किया है कहीं पर क्या वो अपनी सही जगह पर है कि नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें बताता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या बताता है कि आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल विल टेल यू कि आपके एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन है हेल्प करती है हम लोग को ये डिसाइड करने में कि हमें उनके लिए कौन सा ट्रेनिंग, मतलब अगर किसी जॉब में वो कम पड़ रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्किल है जो उनको सिखानी है कि उनके अंदर जो ये वीकनेस है, मान लो उनको एक्सेल एमएस एक्सेल पे काम करना नहीं आता है तो हम वो उनको सिखाएंगे। उनकी जो प्रोग्रेस है और स्किल्स है दैट शुड बी डेवलप्ड, और इसी के लिए इसी फीडबैक के साथ एम्प्लॉयज जो है अपनी ही एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर इंसेंटिव कॉम्पनसेशन, हम उनको कॉम्पनसेशन या वेज इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड जो होते हैं मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को कि वो और अच्छा परफॉर्म करे और सुपीरियर परफॉर्मेंस दे। फिर प्रमोशन एंड ट्रांसफर, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय को भी की भी बताता है। वो ये भी फ्यूचर पोटेंशियल का मतलब हिडन टैलेंट यहाँ पे नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल मतलब कि अगर वो पर्सन प्रेजेंट में अच्छा वर्क कर रहा है तो वो फ्यूचर के ये रोल को अपना सकता है कि नहीं। फिर यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर, वो एम्प्लॉयज जिनकी हाई पोटेंशियल है उनको प्रमोट किया जा सकता है और वो एम्प्लॉयज जिनकी लो पोटेंशियल है उनको कहीं और किसी और जॉब में ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि वो इस जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एम्प्लॉयज को कॉन्शियस बना देते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कि उनको अप्रेज किया जा रहा है और उनका जो फ्यूचर है उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी से उनको सेल्फ डेवलपमेंट मिलता है, दे गेट अप टेक स्टैंड दे टेक स्टेप्स कि वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव कर सके। ओके, फिर कुछ इसके लिमिटेशन है, ये कोर्स में नहीं था बट स्टिल इन जनरल आप उसको जान सकते हो। समटाइम्स ये ऑब्जेक्टिव फुली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बट बायस एंड जजमेंट ऑफ द अप्रेजर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। हमेशा पॉसिबल नहीं कि आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल सको ऑफ द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। और उसके बाद दिया हुआ है कि डिफरेंट अप्रेजर में अप्लाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, अलग अलग अप्रेजर जो इंसान अप्रेज कर रहा है अप्रेजल कर रहा है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगा सकते हैं और इसी के कारण उनकी जो रेटिंग्स है देयर रेटिंग्स में, और इसी के कारण उनकी जो रेटिंग्स है जरूरी नहीं कि वो कंपेरेबल हो और इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इसके बाद जो इसका मेथड्स वाला पार्ट है विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।